पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया था। अब इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन को वापस लिए जाने की बात की जा रही है, तो वीरभद्र सिंह बताएं कि क्या उन्होंने वोट की राजनीति करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की थी। दूसरी राजधानी का अर्थ है कि जो कार्य शिमला सचिवालय से चलता है वैसा ही कार्य शीतकाल यानी दिसंबर से मार्च तक धर्मशाला में होगा, परंतु वास्तव में केवल एक सत्र ही धर्मशाला में कार्य होता है, जो कि जनता से ठगी है। स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलदेव राज सूद ने पालमपुर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया था, अब इस बारे में जारी नोटिफिकेशन को वापस लिए जाने की बात की जा रही है। तो वीरभद्र सिंह बताएं कि क्या उन्होंने वोट की राजनीति करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी की थी। दूसरी राजधानी का अर्थ है कि जो कार्य शिमला सचिवालय से चलता है वैसा ही कार्य शीतकालीन यानी दिसंबर से मार्च तक धर्मशाला में होगा, परंतु वास्तव में केवल एक ही सत्र धर्मशाला में कार्य होता है, जो कि जनता से ठगी है। धर्मशाला से राजधानी होने से कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और मंडी के धर्मपुर, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, द्रंग के लगभग 34 विधानसभा क्षेत्रों तथा संसदीय क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। सूद ने सरकार से आग्रह किया है कि अगर नोटिफिकेशन को वापस लेने का प्रयास किया तो स्वाभिमान पार्टी जनता के हितों की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन करेगी। स्वाभिमान पार्टी प्रदेश सरकार से मांग करती है कि दूसरी राजधानी धर्मशाला में शीतकाल सत्र में कम से कम दिसंबर से मार्च तक कार्य होना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को कड़ाके की ठंड में शिमला न भागना पड़े। पिछली कांग्रेस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कराया था। हिमाचल सरकार के चीफ सेक्रेटरी बीसी फारका द्वारा दिनांक 3 मार्च 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय ने भारत के संविधान की धारा 154(1) के अनुसार धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी घोषित किया है। परंतु हमें खेद इस बात का है कि वीरभद्र सिंह जी उस नोटिफिकेशन को वापस लेने और रद्द करने पर दबाव डाल रहे हैं। उनके कई बार बयान आ चुके हैं। मैं ये वीरभद्र जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने ये नोटिफिकेशन वोट की राजनीति करने के लिए जारी करवाया था? दूसरी राजधानी का अर्थ यह है कि जो काम शिमला में चलते हैं वही काम धर्मशाला में उसी तरह पर चलने चाहिए, क्योंकि दूसरी राजधानी शीतकाल के लिए बनाई गई है, तो शीतकाल तो नवंबर से आरंभ होकर के अप्रैल तक चलता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि धर्मशाला में केवल एक सत्र शीतकाल सत्र, एक सत्र 15 दिन के लिए वहाँ विधानसभा लगती है। तो क्या ये इस इलाके की जनता का के साथ खिलवाड़ है? अगर आपने दूसरी राजधानी घोषित की है तो उसको बाकायदा 6 महीने तक यहाँ उसका कार्य चलना चाहिए। देखिए, ये हमारा जो इलाका जो है, जिसे नए हिमाचल कहा जाता था, उसमें कांगड़ा और चंबा को मिलाकर के 20 विधानसभा हैं। ऊना और हमीरपुर और मंडी का कुछ क्षेत्र, जैसे जोगिंद्रनगर है, द्रंग है, धर्मपुर है, सरकाघाट है, कुल मिलाकर के आधा हिमाचल जो है वो उसमें कवर हो रहा है। तो अगर आपने दूसरी राजधानी घोषित की है तो उसका कार्यकाल जो है पूरा वहाँ 6 महीने के लिए तो होना ही चाहिए। अगर 6 महीने नहीं कर सकते आप तो कम से कम 4 महीने तो करो। अब कड़ाके की ठंड में चंबा से
और शिमला पहुंचने के लिए 18 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने प्रावधान किया है तो उसको पूरा लागू करें। तो मैं स्वाभिमान पार्टी की ओर से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ये दूसरी राजधानी जो घोषित की है उसको बरकरार रखा जाए और किसी दबाव के कारण वो जो नोटिफिकेशन रद्द करने का दबाव बन रहा है उसको स्वीकार न किया जाए।